बिहार पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का किया खुलासा। बिहार के भोजपुर जिले के आयर थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ हथियार तस्कर ब्रजेश शर्मा एवं लाचो कुमार को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा, 3 कारतूस एवं हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किया गया। बताया गया कि तस्करों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। न्यूज अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज आयर थाना में प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में भोजपुर में अपराधियों और अवैध हथियार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उसी कड़ी में आयर थाना में एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अवैध हथियार के साथ साथ एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और इसमें 2 तस्कर घटनास्थल से ही पकड़े गए हैं। और देख सकते हैं बहुत सारे हथियार बनाने के जो औजार हैं और कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। इनकी कुल संख्या करीब 31 है। विभिन्न तरह के औजार हैं जिससे हथियार बनाया जाता है। कुछ डमी हथियार भी हैं, कुछ ओरिजिनल हथियार भी हैं। इसमें कल आयर थानों के सूचना प्राप्त हुआ कि अवैध हथियार का काम किया जा रहा है आयर गांव में। सूचना को तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित किया गया और उसके बाद से उनके निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष राजीव कुमार और बाकी जो थाना के पुलिस पदाधिकारी और बल के साथ वहां पर घटनास्थल पर ही रवाना हुए। और जाकर वहां पर जब ये पहुंचे तो वहां पे एक व्यक्ति तो भाग गया, लेकिन एक महिला और एक पुरुष, जो महिला है वो लाचो कुमार है, वो भी आयर गांव की रहने वाली है, और एक जो पुरुष है ब्रजेश शर्मा है वो भी आयर गांव का ही रहने वाला है। वहां से हथियार बनाते समय रंगे हाथ पकड़े गए और जो व्यक्ति भागने में सफल रहा उसका नाम लाल बाबू शर्मा है, जो ये ब्रजेश शर्मा का भाई है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। इन दोनों पे आर्म्स एक्ट के भी कांड दर्ज हुए हैं और बाकी अन्य कांड भी विभिन्न थाना में दर्ज हुए हैं। जो भागने वाला लाल बाबू शर्मा है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसको पकड़ लिया जाएगा। और तलाशी के दौरान जो इसमें जो आर्म्स बरामद हुए हैं उसमें एक देसी कट्टा है, जिंदा कारतूस 3 है और अवैध हथियार बनाने की सामग्री है। इससे इसके संबंध में आयर थाना कांड संख्या 55/24 दर्ज किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है।